दोस्तों, अगर आपने कभी नोकिया 1108 का इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो दर्शक हैं मुझे देख रहे हैं, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किया ही है। दोस्तों, अगर आपने कभी भी एक बार इस फोन का इस्तेमाल किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे एक पता चल जाए कि जो मेरी ऑडियंस है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, यह मैं पर्सनली आपसे जानना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोकिया 1108 की इस मॉडल के बारे में। दोस्तों, एक समय था कि जो नोकिया 1108 मॉडल था, जब इंडिया में शुरुआत हुई थी मोबाइल फोन की, तब ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला फोन हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, इसकी काफी ज्यादा अच्छाइयां भी हुआ करती थी, लेकिन ऐसा इसके साथ क्या हो गया कि अचानक से मार्केट से धीरे धीरे करके गायब हो गया और हट गया, दोबारा कभी वापसी कर ही नहीं पाया। दोस्तों, इसी चीज को लेकर मैं इस वीडियो पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीख के जाएंगे कि दोस्तों, क्यों एक मोबाइल फोन हो या फिर आपकी लाइफ हो, अगर आप लगातार इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं लाएंगे तो आप धीरे धीरे करके फ्लॉप हो जाएंगे। इसी चीज पे मैं नोकिया 1108 के बारे में आपसे बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टेक्स से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन डेली मिलती आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो नोकिया 1108 है, ये नोकिया की जो शुरुआत हुई थी वहीं से हुई थी इंडिया में। तो दोस्तों, जो ये फोन हुआ करता है, इसमें काफी ज्यादा अच्छाइयां होती थी, जैसे कि इसकी बैटरी बैकअप बहुत लाजवाब हुआ करता था, ये कभी हैक तो बिल्कुल करता ही नहीं था, और एक बार आपसे गलती से फोन काफी ऊंचाई से गिर भी गया तो ये जल्दी से फूटता टूटता बिल्कुल भी नहीं था, काफी ज्यादा एक मजबूत और सॉलिड क्वालिटी का ये फोन होता था। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इतनी अच्छाई होने के बाद ये मार्केट से गायब क्यों हुआ, वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसके गायब होने के सिर्फ एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इसके अंदर जो है कोई भी ज्यादा इसके समय रहते इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसे का तैसा इसको लगातार खींचता गया नोकिया। और वहीं दोस्तों, जो चीन है, चाइना ने इससे कम प्राइस में, जितने का ये आता था नया, उससे करीब करीब आधे की कीमत पे जो चाइना है उसने कैमरा, SD कार्ड और उसमें रंगीन डिस्प्ले, यानी कि सारा कुछ कलरफुल डिस्प्ले डिस्प्ले मिला के ये काफी ज्यादा अच्छा फोन चाइना ने बनाया। वो आपको याद होंगे, अगर आपने भी इस्तेमाल किए होंगे तो कई सारे स्पीकर हुआ करते थे उस पर, जिसमें काफी एक अच्छी आवाज हुआ करती थी, उस समय गाना मोबाइल पे आना एक बड़ी बात हुआ करती थी। तो दोस्तों, इसने जो है अपडेट अपने अंदर नहीं किया, वही सारी चीजें बढ़ के चाइना ने लॉन्च कर दी कम पैसे में। तो उस समय इंडिया के लोगों को बस ये था कि अपनी शौक को पूरा करना था, तब लोग इतना ब्रांड के पीछे नहीं भागते थे, तब लोगों के पास जो फोन होता था बस वो सोचते थे कि मेरे पास एक अच्छा सा मोबाइल फोन हो जिससे मैं बात कर पाऊँ, फोटो खींच पाऊँ, गाना सुन पाऊँ, बस यही तक हुआ था, और टॉर्च भी साथ में दिया जाता था उसके। लेकिन दोस्तों, इसने बदलाव नहीं किया, चीन ने बदलाव कर दिया, वहीं से इसका धीरे धीरे डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे करते करते जब लगातार ये अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता, इसके पहले ये मार्केट से पूरी तरह बाहर हो चुका था, क्योंकि जो नए कस्टमर आ रहे थे मोबाइल फोन के, वो सिर्फ चाइना के फोन खरीद रहे थे, नोकिया का फोन ये तब महंगा भी था और इसमें फीचर्स भी कम थे। वहीं चीन का जो सिस्टम था वो कम पैसे में ज्यादा फीचर्स दे रहे थे अपने फोन के अंदर, इसीलिए वहां से ये फ्लॉप हो गया। कीपैड में, मैं कीपैड की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा जरूर, चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।